सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको समर में और रेनी सीजन में अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दिखा रहा हूं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे आप सभी मेरे टेरेस गार्डन का व्यू देखने के लिए, उतना ही ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड था कि कब आपको जल्दी से ये वीडियो मैं दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन पे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और इस टाइम सारे ही अधिकतर प्लांट जो हैं समर और रेनी सीजन के प्लांट हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारे प्लांट का व्यू दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा क्योंकि आपको मैं बहुत सारे प्लांट का व्यू देने वाला हूँ जो कि मेरे पास जितने भी लगाए हुए हैं, मैंने जिनको कटिंग से ग्रो किया है और जिनको मैंने काफ़ी साल पहले लगाया था, वो सारे प्लांट आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको विंटर में भी अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दिया था। उस टाइम मेरे पास विंटर के फ्लावर ब्लूम कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहे थे, उसका भी व्यू मैंने आपको दिया था। तो अगर आपने विंटर के गार्डन का व्यू नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पूरी टेरेस पे पूरी तरह से आपको दिखाई देगा ग्रीनरी और बहुत सारे प्लांट आपको दिखाई देंगे। तो हर तरफ आपको चारों ओर प्लांट ही प्लांट दिखाई देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ही वैरायटी के प्लांट हैं और मैंने सबको अच्छे से कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको पूरे प्लांट्स को पास से दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं मेरे पास, उनको नाम के साथ बताने वाला हूँ। ये अधिकतर प्लांट मेरे पास रोज़ को छोड़ के जितने भी प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे रेनी सीजन और समर प्लांट हैं और बहुत ही अच्छे से इस टाइम ग्रो कर रहे हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं इनमें जो कि परमानेंट प्लांट हैं, तो सारे ही प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सेकंड फ्लोर के टेरेस से फर्स्ट फ्लोर के टेरेस का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। पूरा टेरेस आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा और इनमें फ्लावर भी ब्लूम कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है तो हमें प्लांट को बहुत ज़्यादा बारिश से बचाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इनकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है और चारों ओर आपको प्लांट ही प्लांट दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इधर साइड मैंने स्टेयर्स पे मोज रोज़ के प्लांट को रख रखा है और इस टाइम उसमें आपको फ्लावर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ये 3 बजे के टाइम वीडियो बना रहा हूँ और आप तो जानते हैं कि पोर्चुलाका में काफ़ी कम समय तक के लिए फ्लावर आते हैं, लगभग 1 से 2 बजे तक ही ब्लूम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गार्डन का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और सारे प्लांट बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और आपको सारे प्लांट को एक एक करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही सारे प्लांट हैं मेरे पास और बहुत ही वैरायटीज़ हैं प्लांट की और सब में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको चिली वाला प्लांट दिखाते हैं। तो ये मेरा चिली प्लांट लगभग 2 साल पुराना है, इसने काफ़ी सारे फ्रूट दिए और उसके बाद ये अभी भी फ्रूट देगा, इसमें मुझे खाद डालना है। तो ये मेरा आप देख सकते हैं चंपा का प्लांट है जिसे प्लूमेरिया कहते हैं, इसको मैंने आपको कटिंग से ग्रो करके दिखाया था।
तो आप देख सकते हैं इसमें अब बहुत ही अच्छी कलियां आ रही हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है। इसके साथ मैंने एक और कटिंग लगाई थी, वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस कटिंग को मैंने किसी और को दे दिया क्योंकि एक गमले में बहुत सारे प्लांट रहना मतलब उसको बढ़ने में दिक्कत होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अब बड भी आना शुरू हो गया है। तो अगर आप प्लूमेरिया को कटिंग से लगा रहे हैं तो उसकी ऐसी ब्रांच लीजिए जिसमें फ्लावर आ रहा हो, तो वो कटिंग लगते ही जल्दी से फ्लावर ब्लूम करने लगता है। तो ये देख सकते हैं इधर ये ड्रेसिना का प्लांट है और इधर साइड आप देख सकते हैं विनका का प्लांट है, वाइट विनका है यानी सदाबहार जिसे कहते हैं। और ये कुछ प्लांट्स हैं साइगोनियम और मनी प्लांट के जिनको मैंने वाटर में ग्रो कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इधर साइड मैंने कुछ सीडलिंग कर रखी है और आप ये देख सकते हैं ये कुछ पोर्चुलाका का मैंने न्यू क्रिएशन किया हुआ है, जैसे कि आप इनको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं इस पर वीडियो मैं जल्दी दूंगा आपको। तो ये देख सकते हैं ये है हमारा अटेनियम की कटिंग जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और इधर साइड मैं ये ब्रिंजल्स ग्रो कर रहा हूँ, और ये इधर साइड कुछ सीडलिंग्स हैं प्लांट की जिन पे वीडियो मैं दूंगा आपको। तो इधर साइड आप देख सकते हैं ये मैंने एक कैक्टस का प्लांट लगा रखा है जिसमें पत्तियां भी होती हैं, और आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत ही छोटे से पॉट में लगा रखा है और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है आप देख सकते हैं। मैंने एक पेंट के डब्बे में लगा रखा है और बहुत ही ज़्यादा हाइट ले चुका है, ये लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास है। और इसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कन्फेडरेट रोज़ यानी जिसे कि स्थल पद्मा कहते हैं, जिसमें जो फ्लावर आते हैं वो 3 रंगों में बदलते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो आपको दिखाया था। और इधर साइड ये देख सकते हैं ये प्राइड ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं और इसका सावनी नाम भी है, तो इसमें देख सकते हैं बहुत बंच में फ्लावर आते हैं तो बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं आप देख सकते हैं। इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग लगाई थी फाइकस स्टारलाइट और फाइकस बेंजामिना की जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, इनको लगभग 1 साल होने जा रहा है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने जो अडेनियम लगाया था, और ये हरसिंगार का प्लांट है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाया है छोटा प्लांट लेकर। और ये इधर साइड आप देख सकते हैं कैलेंचो के कुछ प्लांट्स हैं, और इधर साइड मेरा छोटा सा कैक्टस गार्डन है, आप देख सकते हैं कुछ वेराइटीज़ हैं मेरे पास कैक्टस की, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम करती हैं। इनमें से कुछ का टाइमिंग होता है, जैसे कुछ हर साल गर्मियों में ब्लूम करते हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जो जाड़े में भी ब्लूम कर लेते हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने पत्थर चट्टा का प्लांट लगा रखा है, आप देख सकते हैं कितने छोटे से मैंने पॉट में लगा रखा है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें नीचे एक पप भी आ रहा है आप देख सकते हैं। और इधर साइड मैंने लौकी का प्लांट आपको जो सीडलिंग करके दिखाया था वो ग्रो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसमें धीरे धीरे करके अब फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं, तो जल्दी ये इसमें फ्रूट भी आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और मैं इस पर भी वीडियो दूंगा जल्दी। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियां हैं और इनमें फ्लावर ब्लूम हो रहा है अभी भी, तो जल्दी इसमें फीमेल फ्लावर भी आएगा। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये कद्दू का प्लांट है और इसमें भी बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, बहुत सारे फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, तो जल्दी इसमें भी फीमेल फ्लावर आएगा। पॉलिनेशन होने के बाद ही हमें फीमेल फ्लावर मिलता है जिससे हमें फ्रूट मिलती है। तो आप देख सकते हैं हमारे कद्दू और लौकी के प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इधर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कनेर का प्लांट है जो कि ऑरेंज कलर के कनेर का प्लांट है, और ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा और काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने मदार का प्लांट भी लगा रखा है, छोटा सा मदार का प्लांट है आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा इधर साइड पाइनएप्पल का प्लांट, आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां थोड़ी सी लाइट ग्रीन हो गई हैं क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण लगातार ज़्यादा बारिश होने से प्लांट की पत्तियां लाइट ग्रीन पड़ने लगती हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा बचाना पड़ता है। इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने कुछ डायफेनबेकिया के प्लांट को लगा रखा है जिसमें शहतूत का प्लांट भी ग्रो हो रहा है और उसी में तुलसी भी, तो बारिश के टाइम में बहुत सारी तुलसी के सीड्स गिरे होते हैं उससे मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। ये इधर साइड मैंने नींबू का प्लांट लगा रखा है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, इसमें अभी फ्रूटिंग हुई नहीं है तो जल्दी इसमें फ्रूट आएंगे। और ये मैंने इधर अरबी का प्लांट लगा रखा है जिसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंट आपको दिया था, आप देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा यूफोबिया ग्रांटी का प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट होता है, इसको भी आप इंडोर आउटडोर रख सकते हैं। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये हमारा है मनी प्लांट जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां कितनी हेल्दी हैं।
और बारिश के मौसम में तो इनकी और ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है। और इधर मैंने ये एक ओलियंडर यानी कनेर का प्लांट लेके रखा हुआ है, और ये देख सकते हैं मैंने जिस पॉट में चंपा यानी प्लूमेरिया के प्लांट को लगाया है उसी में विनका और अंजीर का प्लांट ग्रो हो रहा है। तो मैं इनको उखाड़ नहीं रहा हूँ, इन्हीं में बढ़ने दे रहा हूँ। तो ये मेरा जो चंपा का प्लांट है आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना प्लांट है, लगभग 12 से 15 साल पुराना प्लांट है ये, और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। इसमें हमेशा फ्लावर आते रहते हैं, आप देख सकते हैं हर साल इसमें फ्लावर आते हैं। प्लूमेरिया का प्लांट एक बार मैच्योर हो जाए तो उसमें हर साल आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा चिली का प्लांट है जिसको मैंने सीड से ग्रो करके दिखाया था और रिपोर्ट करके दिखाया था आपको। तो इसमें अब फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं, जल्दी इनमें चिली आएंगी। और ये मेरा वेंडरिंग जौ का प्लांट है, इसको आप बहुत छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। और इधर साइड आप देख सकते हैं बहुत सारी चिलीज मैंने ग्रो कर रखी थी सीड से, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई हैं सारी, बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और बीच में ये कामनी का प्लांट है जिसमें फ्लावर छोटे छोटे आ रहे हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं ये जराकुस का प्लांट है जिसको लेमन ग्रास भी कहा जाता है। बारिश के मौसम में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप देख सकते हैं इसने पूरे पॉट को कवर कर रखा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और ये काफ़ी हेल्दी है, इसको आप चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रूट्स दिखाई दे रही होंगी, तो मैंने कुछ प्लांट की रूट्स बाउंडिंग को कम किया था, यानी जब प्लांट की जो रूट्स होती हैं बढ़ जाती हैं तो उनको कम करते हैं, तो मैंने काट के अलग किया था। इधर साइड आपको एलोवेरा दिख रहा होगा, और ये आप देख सकते हैं पीपल का प्लांट है, इसको मैं बोनसाई बनाना चाहता हूँ इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये खरबूजे का प्लांट है जिसको मैं उखाड़ने वाला हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम का ये प्लांट नहीं है, ये फरवरी मार्च में ग्रो किया जाता है, मई जून तक इसके फल आ जाते हैं और उसके बाद ग्रो करने से इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं इनको उखाड़ दूंगा। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये हमारा जो है करमुआ, जिसको नारी का साग भी कहा जाता है, वाटर स्पिनेच कहते हैं। तो ये मेरे पास हाइब्रिड और देसी वेराइटी है, तो इसमें बहुत सारे छेद दिख रहे हैं क्योंकि ग्रास ऊपर यानी टिड्डों का अटैक हुआ था जिससे इनकी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई है। तो ये देख सकते हैं इधर हमारा मीठी नीम का प्लांट है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इस टाइम ये थोड़ा सा बढ़ नहीं पा रहा है, तो इसकी मैं प्रूनिंग करने वाला हूँ। तो प्रूनिंग करने के लिए मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने एयर लेयरिंग कर दी है ताकि हमें दूसरा प्लांट भी मिल जाए। तो ये काफ़ी बड़ा सा प्लांट हो चुका है और इसमें बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं, तो आप सीड्स के थ्रू भी बारिश के मौसम में ग्रो कर सकते हैं इनको। और ये हमारा वाटरमेलन है, आप देख सकते हैं ये किसी तरह से बच गया है, और बाकी बहुत सारी बारिश होने के कारण मैं इस प्लांट को बचा नहीं पाया, आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है वाटरमेलन के ख़राब होने की। वैसे तो मैंने वाटरमेलन को बारिश में कैसे बचाएं उसका मैंने वीडियो दिया है, तो आप उसको देख करके बचा सकते हैं। तो ये हमारा रोज़ का प्लांट है, आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने इन्हीं पिंक रोज़ की फ़ोटो मैंने दिया था जिसमें तीन रोज़ एक साथ थे। तो गर्मी के मौसम में रोज़ के प्लांट में बहुत ज़्यादा केयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये विंटर के प्लांट होते हैं और आप गर्मी में इनको ज़्यादा खाद दे देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इनको ज़्यादा खाद नहीं देता हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में इनके जो फ्लावर हैं वो छोटे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं आप इधर साइड मेरे मोगरे के प्लांट हैं जिनमें बहुत सारे फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मोगरा बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है और उसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बारिश और गर्मी का ही प्लांट है। और इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा जो रेड रोज़ है वो भी ब्लूम हो रहा है। तो गर्मी के मौसम में भी ब्लूमिंग होती रहती है, लेकिन फ्लावर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये रसभरी का प्लांट है, इसमें अभी फ्रूट नहीं आ रहा क्योंकि इसका टाइम जा चुका है। और इधर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्कमेलन यानी खरबूजे का प्लांट है जिसमें अभी भी खरबूजा फल रहा है, लेकिन इसका फलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बारिश के मौसम में इनमें कीड़े पड़ ही जाते हैं चाहे आप जितना भी केयर करें। तो इधर साइड आप देख सकते हैं ये तरोई का प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण इनके कुछ पत्ते जो हैं पीले पड़ गए हैं, तो इसमें मैं खाद डालूंगा तो ये सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इनमें अब फ्लावर आना शुरू हो गया है, तो जल्दी इनमें फीमेल फ्लावर इनमें भी आएंगे और इनमें भी हमारी तरोई लगना शुरू हो जाएगी। तो इधर साइड आप देख सकते हैं ये हमारे ककड़ी के प्लांट हैं जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दिखाई है, और बहुत ज़्यादा हमारी ककड़ियाँ फल चुकी हैं, तो अब इनका टाइम जा चुका है तो मैं इनको उखाड़ दूंगा। और इधर साइड ये लीची के प्लांट है जिनको मैंने सीड से ग्रो करने का प्रोसेस बताया था, देख सकते हैं इनमें और भी मैं लीचियाँ ग्रो कर रहा हूँ। और इधर ये मेरा वाटर लिली का प्लांट है और इधर लोटस का प्लांट है। तो लोटस के फ्लावर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनके पॉट का साइज़ मुझे बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा उतनी जल्दी फ्लावर आएगा। ये हमारा गंधराज का प्लांट है, ये आप देख सकते हैं इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, तो इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ख़रीद के लगाया है
और इनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से कटिंग ग्रो जाती है, कलियाँ इसमें आ रही है। तो इधर साइड आप देख सकते हैं ये हमारा देसी गुलाब भी ब्लूम कर रहा है, और काफ़ी अच्छा साइज़ तो नहीं लेकिन तब भी ठीक ठीक ब्लूम कर रहा है। और इधर स्नेक प्लांट लगा है, और ये आप देख सकते हैं अपराजिता का प्लांट है। ये एक बेल वाला प्लांट होता है और ये मेडिसिनल प्लांट भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट होता है, इसको आप अपने घर में ज़रूर से लगाइए। इस टाइम बरसात का मौसम है तो आप इनकी कटिंग को भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर साइड ये हमारा टिकोमा का प्लांट है, जिसको ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं। ये भी बेल वाला प्लांट होता है, इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं बंच में बहुत सारे फ्लावर आ रहे थे, और अभी भी इसमें बहुत सारी बड्स हैं और धीरे धीरे ये ब्लूम कर रही हैं। आप इनको इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि आपको मैं पूरे अपने टेरेस गार्डन के जितने प्लांट हैं उनकी व्यू आपको दिखा रहा हूं और उनके बारे में भी बता रहा हूं। तो चलिए इसके अगले पार्ट में चलते हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा ये एरेंथिमम का प्लांट है, जिसको आप आउटडोर इनडोर दोनों जगह रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मेरे पास है टर्टिल वाइन का प्लांट, आप इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। और इधर साइड भी मैंने एक एरेंथिमम का प्लांट रख रखा है। और इधर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरिका पाम है, और एरिका पाम भी आउटडोर इनडोर दोनों जगह रखा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा अगर पानी दे देते हैं तो आपका प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, बारिश से बचाइए। तो मैं इसको बारिश से बचाता हूँ, या इनके लिए ऐसी पॉटिंग मिक्स बनाइए जिसमें ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, जल्दी पानी निकल जाता हो। इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा ये डेंथस का प्लांट है, जिसमें अभी भी ब्लूमिंग हो रही है, तो इनको आप हल्की बारिश से बचाइए, इसीलिए मैंने पौधों के बीच में रख रखा है। तो ये हमारा देख सकते हैं हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग हो चुकी है, तो इनकी अभी रूट बाउंडिंग हो चुकी थी, तो जो आपको मैंने कुछ देर पहले रूट्स दिखाई थी इसी से मैंने निकाली थी, और इनको मैं अभी कटिंग भी करने वाला हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरा दूसरा जो हिबिस्कस है वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है, उसमें भी रूट बाउंडिंग हो गई थी तो उसको भी मैंने कम किया। तो सारे ही हिबिस्कस प्लांट से मैंने रूट बाउंडिंग कम किया, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कलियां हैं, तो इनको मैं अभी कटिंग नहीं करूंगा, लेकिन बाकी जिनमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं उनकी मैं कटिंग कर दूंगा। इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा विनका का प्लांट है, देसी विनका है, और ये पिंक कलर का है। मैंने कुछ देर पहले आपको वाइट विनका के प्लांट दिखाए थे, और इनकी ब्लूमिंग आप देख सकते हैं बहुत सारी हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा तीसरा हिबिस्कस का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसमें इस कलर के फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं क्रीम रंग के फ्लावर आते हैं, और ये भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहा है, इसमें भी रूट बाउंडिंग हो गई थी तो इसकी भी मैंने रूट कम की है, और जल्दी इनमें भी अब फ्लावरिंग फिर से शुरू होगी। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं बगल में हमारा अल्मांडा का प्लांट है, ये भी रेनी सीजन का बहुत अच्छा प्लांट है, इनको भी इस टाइम कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अल्मांडा का जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है लगभग 7 से 8 फीट का हो चुका है, और इसके लिए आप बड़े साइज़ का गमला ही लीजिए जिससे ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है, और आप इधर साइड देख सकते हैं ये हमारा बोगनवेलिया का प्लांट है। तो आप बोगनवेलिया के प्लांट को भी इस मौसम में बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इनके बहुत सारे कलर होते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ होते हैं। तो ये एक बंच वाला मेरे पास बोगनवेलिया है, और इसके बगल में सिंगल बंच वाला बोगनवेलिया का प्लांट है, और इनके आप फ्लावर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फ्लावर होते हैं, और हरदम इनमें आपको ब्लूमिंग दिखाई देगी, और गर्मी में सबसे ज़्यादा इनमें ब्लूमिंग होती है। और इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने ककड़ी का एक और पौधा छोटा सा लगा रखा है, जिसमें अभी भी ककड़ी आ रही है। और इधर साइड आप ये देख सकते हैं ये मेरा पैशन फ्रूट का प्लांट है, जिसमें राखी जैसे फ्लावर आते हैं, इसीलिए इसको राखी बेला वाला प्लांट भी कहा जाता है। तो इसमें पैशन फ्रूट भी आते हैं, यानी जो फल आता है उसे खाया भी जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसको आप कटिंग से इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं हमारे गन्ने के प्लांट हैं, जो कि इस बार सेकंड राउंड फिर से फल रहे हैं, क्योंकि
जो पहले राउंड के गन्ने फले थे उसको मैंने काट के यूज़ कर लिया था। आप देख सकते हैं लगभग 7 से 8 गन्ने थे और सेकंड राउंड में भी लगभग 8 से 9 गन्ने फिर से फले हुए हैं। तो अगर आप इनको एक बार लगाते हैं तो लगभग ये 3 से 4 बार फलते हैं, फिर उसके बाद आपको इनकी मिट्टी चेंज करके फिर से उनको ग्रो करना पड़ता है। और इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा अर्डेनियम का बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसमें बहुत सारी कलियाँ ब्लूम होने वाली हैं, तो बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो अर्डेनियम का प्लांट है बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था 2 साल पहले। और ये हमारा समी का प्लांट है, गुलाबी रंग की समी का, और इधर साइड ये येलो कलर की समी। तो मेरे पास दोनों कलर की समी के प्लांट हैं, इनको मैंने ग्रो किया है। इधर साइड मेरा बोनसाई बनियान ट्री है, ये 2007 का प्लांट है, जब मैंने 2007 में इसको ग्रो किया था। बहुत ही छोटा प्लांट था और आप देख सकते हैं ये इस टाइम बिल्कुल बोनसाई हो चुका है, और इस पर मैं बोनसाई लुक देता रहता हूँ। और इसी तरह आप ये देख सकते हैं ये हमारा एक और बोनसाई बनियान ट्री है, दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों का लुक बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैंने मोज़ रोज़ के छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगा रखे हैं, और ये देख सकते हैं रेन लिली का प्लांट है, तो ये अभी ब्लूम हो चुका है। तो जैसे जैसे बारिश होती है ये ब्लूम होती रहती है, मैंने इस पर भी वीडियो आपको दिया था। तो आप देख सकते हैं इधर साइड भी मैंने कुछ रोज़ के प्लांट रख रखे हैं, और आप देख सकते हैं पिंक कलर का है और अलग तरीके का शेड है इसमें नीचे के पेटल पर। और इसी पॉट में आप देख सकते हैं बहुत सारी तुलसी के प्लांट जमे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीड्स गिर जाते हैं तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तुलसी के। और आप देख सकते हैं इसके अलावा मेरे पास पर्सलेन का भी प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है। इनके खिलने का टाइमिंग 9 बजे से लेके 2 बजे तक होता है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये मेरा बेला का प्लांट है, मैंने इसकी अभी कटिंग की है ताकि इसमें फिर से ब्लूमिंग हो। तो बहुत सारी इनमें न्यू ब्रांचेस आ रही हैं आप देख सकते हैं, तो कुछ दिन पहले ये बहुत ज़्यादा ब्लूम कर चुके हैं। तो जब जब ये ब्लूम कर चुके हों तो उसके बाद इनकी कटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इनमें न्यू ब्रांचेस आती हैं और उन्हीं के साथ नई बहुत सारी कलियाँ आती हैं जिसमें फ्लावर ब्लूम होता है। तो ये देख सकते हैं इधर पपीते का भी प्लांट लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ रोज़ मोज़ के प्लांट लगाए हैं, ये देख सकते हैं क्राउन्स ऑफ थॉर्न का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा ब्लूम करता है, तो इसमें फ्लावर है काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और इधर साइड आप देख सकते हैं ये हमारा चाइना पाम का प्लांट है, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है। इसके अलावा मैं ये एक और पीपल का प्लांट है जिसे बोनसाई बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मैंने जीने पे रख रखे हैं, जो कि हमारे रोज़ मोज़ यानी पोर्चुलाका के प्लांट हैं, जो कि बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो इधर साइड आप देख सकते हैं हमारा पाम ट्री लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा प्लांट है, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा। और इसके अलावा यहाँ पे श्यामा तुलसी, जिसकी डार्क पत्ती आपको दिख रही है, ये श्यामा तुलसी है, और उसके बगल में लाइट ग्रीन पत्ती वाली रामा तुलसी है। तो ये दोनों वेराइटीज़ हैं मेरे पास। और इसके अलावा ये देख सकते हैं लेडी पाम का प्लांट है, और इधर साइड ये ड्रेसिना का प्लांट है, और नीचे आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ कटिंग लगा रखी हैं जिसमें कुछ जेट प्लांट, कुछ कैलेंचो प्लांट की कटिंग है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये स्नेक प्लांट की डार्क वेराइटी है, यानी छोटी वेराइटी है, और इनको मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है, तो आप इसी तरह इनको छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इधर साइड मेरा ओलियंडर यानी कनेर का दूसरा प्लांट है, आप देख सकते हैं येलो कनेर है। इससे पहले मैंने अभी आपको नारंगी कनेर भी आपको दिखाया, तो मेरे पास 2 वेराइटी के कनेर हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मेरा मिनिएचर यानी मिनी चांदनी का प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी सारी आपको कलियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ दिन में ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ दिखाई देगा आपको, और बहुत ही ग्रीन आपको ये दिख रहा होगा प्लांट। इन प्लांट में आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट ख़राब होगा, तो इसलिए इनको बहुत लिमिट में पानी दीजिए। और आप देख सकते हैं इधर साइड मेरा ये बड़ी वेराइटी की चांदनी है, तो इनकी पत्तियाँ और फ्लावर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, और इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, इनमें भी बहुत सारी आपको कलियाँ दिखाई दे रही होंगी, और ये काफ़ी ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। तो चांदनी के प्लांट को भी इस टाइम आप कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ओलियंडर के प्लांट यानी कनेर के प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे ही प्लांट अधिकतर जितने भी मैंने दिखाए ये रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले प्लांट हैं, तो इन सभी को आप बहुत आसानी से इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्लांट की क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको मेरे टेरेस गार्डन का व्यू अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।